जन्माष्टमी महामहोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी अर्थात अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र का प्राकट्य दिवस। आज से 5,249 वर्ष पूर्व भद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा धाम में जन्म लिया और इसी जन्म उत्सव को संपूर्ण विश्व युगो युगों से जन्माष्टमी के पर्व के रूप में बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाता आया है। यूं तो हम भी हर वर्ष जन्माष्टमी मनाते हैं। भक्त लोग आज के दिन उपवास करते हैं, भगवान के मंदिर जाके भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं, भगवान के लिए अन्य अन्य द्रव्य भोग बना के अर्पित करते हैं। परंतु क्या ये जन्माष्टमी का पर्व केवल यहीं तक सीमित है या इसका हमारे जीवन में कुछ अत्यधिक महत्व है? तो आइए आज जानने का प्रयास करते हैं, ये जो जन्माष्टमी का पावन उत्सव है इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, भगवान का इस संसार में प्रकट होने का क्या कारण है और हम वास्तविक रूप में जन्माष्टमी किस प्रकार मना सकते हैं। भगवान गीता में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मनेति माम एति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म है ये क्या है? दिव्य है। और जो मनुष्य इन जन्म कर्मों को समझता है, इनकी दिव्यता को तत्वतः समझता है, उसको इस संसार में दोबारा पुनर्जन्म नहीं लेना, वो जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। हम देखते हैं, यूं तो भगवान के इस संसार में अनेकों अवतार हुए हैं, जैसे राम, वराह, कूर्म, मत्स्य, वामन, पर ये जो भगवान कृष्ण का अवतार है ये इतना विशेष क्यों, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों? तो शास्त्रों में पता लगता है कि ये जो भगवान का अवतार है ये भी अनेक अनेक श्रेणी के होते हैं, जैसे कि कला अवतार, अंश अवतार, पुरुषा अवतार, गुण अवतार। तो ये जो भगवान कृष्ण का अवतार है ये क्या है? ये है पूर्ण अवतार, ईश्वर परमहा कृष्णा। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, ईश्वर परमहा कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो यूं तो संसार में अनेकों ईश्वर हैं, ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं वो भी ईश्वर हैं, भगवान शिव जो सृष्टि का संहार करते हैं वो भी ईश्वर हैं, भगवान विष्णु जो इस संसार का पालन करते हैं वो भी ईश्वर हैं। पर इन सभी ईश्वर के जो परम ईश्वर हैं वो कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण, अनादिर आदिर गोविंदम। और वो जो कृष्ण है वो क्या है? अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है, पर वो सभी संसार के आदि हैं, सभी कारणों के कारण हैं। इसलिए ये जो जन्माष्टमी का पर्व है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो कि स्वयं भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो इस संसार में प्रकट होते हैं। हम देखते हैं कि इस संसार के जो जीव है वो माया वशीभूत इस संसार में जन्म लेने के बाध्य है, वो अपने गुण और कर्म अनुसार भौतिक शरीर स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं। परंतु जब भगवान इस संसार में आते हैं तो उनको कोई बंधन नहीं लगता। गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो, भगवान जो गोलोक में निवास करते हैं वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप में इस संसार में प्रकट होते हैं, वो कोई जड़ शरीर स्वीकार नहीं करते, वो अपनी इच्छा से इस संसार में आते हैं। इसको इस प्रकार समझा जा सकता है जैसे कि एक देश का प्रधानमंत्री कभी कभार कारागृह जेल में जाता है कैदियों हालचाल जानने, तो उसको जेल में जेल के नियमों के बंधन नहीं लगते। उसी प्रकार जब संसार इस संसार में भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान को इस संसार के नियम बंधन में नहीं पड़ना होता, उनको कोई बंधन नहीं लगता। भगवान बताते हैं गीता में, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सराचरम, कि जो प्रकृति है ये मेरी अध्यक्षता में संसार का पालन कर रही है। तो यूं तो शास्त्रों में भगवान के अनेकों अवतरण के अनेकों कारण वर्णन है, परंतु भगवान के जो अवतरण का प्रमुख और मुख्य कारण है वो है जीव पर दया और करुणा करना। तो अब संसार में देखते हैं कि जीव माया वशीभूत जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन में बंधा है और निरंतर वो आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक कलेश अग्नि में जल रहा है। तो भगवान जब देखते हैं कि जीव ये महादुख के सागर में डूबे जा रहा है तो भगवान उस पर करुणा करने इस संसार में प्रकट होते हैं। भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं जीव की वास्तविक
पोजीशन को बताने के लिए, उसका वास्तविक आधार क्या है। भगवान बताते हैं गीता में, मम वांछा जीव लोके जीव भूत सनातन। तो जो जीव की वास्तविक स्थिति है वो है, वो भगवान का अंश है। जीव के जो परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, वो है मूल पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और ये जो भौतिक संसार को वो अपना मान के इस संसार में जीता है और इस संसार में कुछ सुख प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान बताते हैं कि इस संसार में कोई सुख नहीं है, उसकी वास्तविक जो जगह है वो है गोलोक। वो गोलोक में भगवान के साथ रहना ही उसका वास्तविक स्वरूप है। तो जिस प्रकार एक माता पिता अपने संसार को, अपने संतान को दुख में नहीं देख सकते, उसी प्रकार जब भगवान अपने संतान को देखते हैं कि वो इस संसार में दुख भोग रहा है, तो उसको करुणावश उसको, उसके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने और उसको बताने उसकी वास्तविक स्थिति, भगवान इस संसार में आते हैं। तो शास्त्रों में, भागवत में, पुराणों में भगवान के जन्म लीला का बड़े ही विस्तृत रूप में वर्णन है। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी भगवान के जन्म लीला का वर्णन करके बताते हैं कि भगवान देवकी और वसुदेव के किस प्रकार आठवें रूप में मथुरा में कारागृह में जन्म लिए। तो आचार्य बताते हैं कि भगवान कारागृह में क्यों जन्म लिए। तो भगवान अपने जन्म से बताना चाहते हैं कि भले ही आप कितने ही बंधन में क्यों ना हो, भले ही आप कितने ही माया के बंधन में हो, भले ही कितने है ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन में क्यों ना हो, पर अगर आप मेरे को अपने जीवन में उतारेंगे तो ये सब बंधन आपके खुल जाएंगे। तो जिस प्रकार कृष्ण के जन्म के उपरांत वसुदेव देवकी के सब बंधन खुल गए, कारागृह के सब द्वार खुल गए, उसी प्रकार अगर हम अपने जीवन में भगवान को उतारेंगे, भगवान का जन्म कराएंगे, तो ये सब बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान के जन्म से पहले देवकी और वसुदेव के और 7 संतानें हुई। तो इसमें से प्रथम 6 संतानें कंस ने बड़ी निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी। तो आचार्य बताते हैं जो 6 संतानें हैं ये कौन है। ये 6 संतानें हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य के प्रतीक। तो अगर किसी को अपने जीवन में भगवान का प्राकट्य अवतरण कराना हो तो उसको अपने हृदय को शुद्ध करना होगा, क्योंकि भगवान जो है वो क्या है, पवित्र, परम पवित्र है। तो भगवान अशुद्ध हृदय में, चित्त में नहीं आते। तो हमें चित्त में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य है, उसका दमन करना होगा, उसके अपरांत ही भगवान हमारे चित्त में आएंगे। तो जब देवकी और वसुदेव के 7वें पुत्र हुए, वो हुए संकर्षण बलराम। तो बलराम जी जो है वो कौन है, वो है आदि गुरु, वो गुरु तत्व है। तो हमारा चित्त शुद्ध कैसे होगा, हमारा चित्त शुद्ध होगा जब हम गुरु की शरण लेंगे। जब हम गुरु की शरण लेके उनके आदेश अनुसार भक्ति करते हैं तब हमारा चित्त शुद्ध होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि मेरे जन्म से पहले आपके जीवन में गुरु का जन्म होना आवश्यक है। जब गुरु का हमारे जीवन में जन्म होता है और हम गुरु के शरणागत होके, एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेके उनके आदेश अनुसार भक्ति करते हैं, तब हमारा हृदय चित्त शुद्ध होता है और तब उस हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि सर्वप्रथम भगवान वसुदेव के मन में प्रकट हुए और वसुदेव के मन से देवकी के मन में प्रकट हुए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि यह है वास्तविक दीक्षा। तो जो गुरु हैं वो अपने चित्त में भगवान को धारण करते हैं और जब गुरु कृष्ण को अपने शिष्य के हृदय में देते हैं तो वो है वास्तविक दीक्षा। तो जब एक शिष्य गुरु के शरणागत होके भगवान की भक्ति करता है, गुरु से भगवान के बारे में समझता है, जानता है, तो वास्तविक दीक्षा कहलाई जाती है। तो अगर हमें वास्तविक रूप में जन्माष्टमी मनानी है तो हमें अपने हृदय को शुद्ध करना होगा। जन्माष्टमी का अर्थ है कि जब हमारे चित्त में भगवान का जन्म हो तो वास्तविक जन्माष्टमी होगी। और भगवान का जन्म होगा जब हम गुरु की शरण लेके उनके आदेश अनुसार भक्ति करते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए अनेकों अनेकों युग में अनेकों अनेकों साधन बताए गए हैं, पर विशेषतः कलयुग में जो साधन है वो है भगवान के नाम का जप करना। श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान के स्वयं अवतार हैं, उन्होंने अपने आचरण से सिखाया
कि किस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, हमारे चित्त को शुद्ध कर सकते हैं, चेतो धर परमार्जनम। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, जब हम एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेके भगवान की भक्ति सेवा करेंगे, तब तो हमारा हृदय शुद्ध होगा, और जब ये हृदय शुद्ध होगा तो उसमें भगवान प्रकट होंगे, और वो होगी वास्तविक जन्माष्टमी। धन्यवाद। हरे कृष्ण।